आज हो रही है बारिश और मौसम को एंजॉय करने के लिए हम बना रहे हैं मजेदार से करारे से पकौड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिए 1 किलो आलू, उनको बारीक काट लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, प्याज 1 बड़ा ले लिया, मैंने इसको चॉप कर लिया है। पालक ले लिए है 1/2 कड़ी, सूखा धनिया साबुत डालेंगे 2 खाने के चम्मच, जीरा ले लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, इसको हम रोस्ट कर लेंगे। 1/2 चाय का चम्मच जो है इसमें अजवाइन डालेंगे, इसको भी साथ रोस्ट करके ये हम डालेंगे। हल्का सा बस इसको रोस्ट करेंगे, हल्की सी खुशबू उसमें से आने लगेगी तो ये भी हम अपने मसाले में डाल देंगे। मसाला हमारा हो गया रोस्ट, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1 चाय का चम्मच डाल देंगे हम अजवाइन, 2 कप के जितना हम डाल देंगे इसमें बेसन, 1/2 चाय का चम्मच हम डाल देंगे सूखी मेथी, 3 अदरक मैंने लिए हैं हरी मिर्च बारीक कट काट लिए हैं, 2 अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम डालेंगे इसमें पानी जितने हमें पानी के जरूरत, ऑयल हमारा हो गया गरम, हम इसमें डालेंगे पकौड़े। एक साइड हमारी हो गई फ्राई, अब हमने इसको कर लिया पेंच, दूसरी साइड से भी हम 3-4 मिनट पका लेंगे। पकौड़े हमारे हो गए हैं फ्राई, इसके ऊपर मैं डालूंगी मसाला, मैंने पकौड़ों का बना के रखा हुआ, उसमें मैंने सूखा धनिया, थोड़ा सा थोड़े से अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काठी, तो देखिए इसको मैंने भून के उसको मैं पिसा हुआ है, ये हम इसके ऊपर छिड़क देंगे पकौड़ों के ऊपर, गर्म लगे पकौड़ों के ऊपर, ये आप चिप्स के ऊपर पकौड़ों के ऊपर डाल के खाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा इस मसाले का। पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं, मज़े लें, बारिश में इंजॉय करें। पकौड़े बना के साथ दही की चटनी, दही पुदीने की चटनी बनाइए उसके साथ। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। अल्लाह हाफिज़।